दोस्तों आज हमारा टॉपिक है टाइप कैस्टिंग ऑपरेटर इन सी प्लस। इसकी दो टाइप है, इम्प्लिसिट टाइप कैस्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कैस्टिंग। इसकी हम बात करते हैं डिटेल में। टाइप कैस्टिंग ऑपरेटर किसे कहते हैं? द कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। मतलब हम किसी डेटा को एक ही टाइप से दूसरे टाइप को कन्वर्ट करते हैं तो इसको टाइप कैस्टिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर int हमने एक वेरिएबल की डेटा टाइप ली है और बाद में हम इसे फ्लोट को कन्वर्ट करते हैं तो ये इसे टाइप कैस्टिंग कहते हैं। हमारे साथ इसकी दो टाइप है, इम्प्लिसिट टाइप कैस्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कैस्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कैस्टिंग में कंपाइलर ऑटोमेटिकली डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप को कन्वर्ट करता है जब हम किसी एक्सप्रेशन में यही इम्प्लिसिट टाइप कैस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सिंपल है, हम ये नाम नहीं लिखते, बस एक डेटा टाइप की एक डेटा को हम दूसरे वाले को असाइन करते हैं। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं और एक वेरिएबल फ्लोट टाइप की है, दूसरे इंटीजर टाइप की है। हमने फ्लोट को इंटीजर वाला वैल्यू असाइन की तो इसे इम्प्लिसिट टाइप कैस्टिंग कहते हैं और ये कंपाइलर खुद करता है, हमें पता नहीं होता। इसमें सिर्फ इग्नोरेंस होती है। मतलब एक फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू हमने इंटीजर को दे दी, इंटीजर में अशारिया नहीं आता इंटीजर डेटा टाइप में, तो इस फ्लोट की वैल्यू में जो अशारिया के बाद जो नंबर है वो इंट में इग्नोर होगी और वेरिएबल वही वैल्यू नहीं उठा सकता। इसमें अशारिया के लिए जगह भी नहीं होती तो इस वजह से इसे इम्प्लिसिट टाइप कैस्टिंग कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है हमारे साथ डबल ए इक्वल टू 3, मतलब और इन बी इक्वल टू 1314156। मतलब ये हमने इंटीजर बी ले ली तो इंट में अशारी नहीं आती तो ये कंपाइलर खुद 3 करेगा, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये डबल ए इक्वल टू 3 ये इम्प्लिसिट टाइप कैस्टिंग का एग्जांपल है। तो डबल में अशारिया आता है तो जब हम इसे सीआउट ए करते हैं तो ये इसकी वैल्यू 3.0 हमारे साथ आएगा स्क्रीन पर, क्योंकि डबल में अशारिया जरूर होती है और अशारिया के बाद जो हिंसा है वो हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर कोई वे और हिंसे नहीं है, मतलब 1, 2, 3 नहीं है अशारिया के बाद, तो 0 तो है कम, इसे स्क्रीन पर आउटपुट देगा, ये कंपाइलर खुद कन्वर्ट करेगा। अच्छा, C++ में हमारे साथ बहुत सी तरीके हैं एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप को कन्वर्ट करना, मतलब एक डेटा को दूसरे टाइप डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हमारे साथ C++ में बहुत से तरीके हैं। लेकिन हमारे साथ सबसे आसान जो तरीका है जब हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो यूँ है कि हम डेटा टाइप लिखते हैं और इसके बाद जिस वैल्यू को हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं, वो जिस वैल्यू से हम एक वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं तो वही डेटा टाइप हम इसके साथ पैरेंथेसिस में लिखते हैं और बाद में इसका वेरिएबल लिखते हैं और जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वही वेरिएबल हम इसके बराबर लेते हैं। मतलब एक हमारे साथ एक इंटीजर वैल्यू है और हम एक फ्लोट वेरिएबल को इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम फ्लोट y इक्वल टू x नहीं लेंगे, हम x की वैल्यू लेंगे और इसको इसके साथ इंटीजर ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये फ्लोट को कन्वर्ट होगी। हमारे साथ यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। int x, हमने एक वेरिएबल ले ली int टाइप की x, फ्लोट टाइप की पाई वैल्यू ले ली, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई इक्वल टू 3.14। अब हम इस int x में यही फ्लोट वैल्यू सेव करना चाहते हैं तो ये भी तरीका है कि आप एक टाइप को दूसरी टाइप को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। x को हमने बराबर की पाई की और पाई डेटा टाइप को हमने इंट में कन्वर्ट करना है तो ब्रैकेट में हमने इंट लिख के इसके साथ इस कोड में जो है ये द फ्लोट नंबर जो है ये 3.14 कन्वर्ट हो जाती है इंटीजर वैल्यू 3 को और ये रिमाइंडर जो हमारे साथ है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमारे साथ जो टाइप कैस्टिंग ऑपरेटर है वो इंटीजर है और ये जो हमने ब्रैकेट में इंट लिख किया है तो इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्ट कैस्टिंग कहते हैं और ये वही पाई को फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके को एक्सप्लिसिट टाइप कैस्टिंग कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक कोड है, इस तरह भी
हो सकता है। x इक्वल टू एंड फाइव मतलब वैल्यू को हमने पेरेंथेसिस में बंद की है, तो इसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं, और टाइप कैस्टिंग कहते हैं या कन्वर्जन वो एक ही चीज है। अच्छा जी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।